dear students. Yes, in previous class we complete our chapter 7 and write the meanings. Okay, meanings हम लोगों ने write कर लिए थे, chapter read कर लिया था. अब आज हम exercise start कर रहे हैं, जिसमें first देखेंगे pick the correct option, जो आपको मेरे साथ ही आपके notebook में neat and clean handwriting में क्या करना है, लिखना है. Okay, neat and clean handwriting. First, the main source of water on the लास्ट में मैंने आपको यहाँ पर
precious. Precious means kimti. Water is precious. We should not waste. हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके. नंबर थ्री. और लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड किसी जरूरत रहती है. चैप्टर क्या है अपना? वाटर. तो टैंक जो स्पेस है वहां आएगा वाटर. नंबर फोर. एनिमल्स BATH बात इन एनिमल्स किस में बात करते हैं? यस टेल मी. चाहिए ना बात करने के लिए? वाटर. एनिमल्स बात ही वाटर. ओके. आपके टिक द करें और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं. आपको राइट करना है. एक बार वापस रीड कर लेते हैं हम. द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज द. पृथ्वी पर मेन सोर्स कौन सा है? सी, ओशियन और रेन. एट होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम. हमारे घर को पानी कहाँ से आता है? कुएं से, पॉन्ड तालाब से या टैप नल से? नल से आता है. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. वी नीड वाटर फॉर फुटिंग ऑफ ए फायर. वाटर इज प्रीशियस. वी शुड नॉट वेस्ट इट. All living things need water. Animals bath in water. Neat and clean handwriting में write down करना है. और next period में हम लोग क्या करेंगे? Question answer देखेंगे. Okay, तब तक के लिए thank you बच्चों.